प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। अपनी उपलब्धियों को ऐतिहासिक बताते हुए बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को पूरे पूरे नंबर दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 1 करोड़ लोगों को घर देने का काम समाप्त हो चुका है। स्मार्ट सिटीज के माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ की लागत से 100 शहरों की व्यवस्था में परिवर्तन लाने का एक अच्छा प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश को नई दिशा और नई ऊंचाइयां मिली हैं। मोदी ने तुष्टीकरण, जातिवाद और वंशवाद को खत्म कर एक सधी हुई राजनीति शुरू की है। शाह ने यह भी कहा कि मोदी सरकार अपने सभी वादों पर खरी उतरी है, उसके बावजूद अभी कार्यकाल खत्म होने में 1 साल बाकी है। अपने वादों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर अमित शाह ने बीजेपी मुख्यालय में सरकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने आंकड़ों के साथ अपने दावे पेश किए। प्रत्यक्ष करदाताओं में बहुत बड़ी वृद्धि हुई, लगभग 50% कह सकते हैं, 40% से ज्यादा। 2012-13 में 4.7 करोड़ प्रत्यक्ष करदाता थे, आज 7 करोड़ से ज्यादा करदाता है, 80% की ये वृद्धि है। अप्रत्यक्ष करदाता में भी बड़ी वृद्धि हुई है। जीएसटी के पहले 60 लाख लोग रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, जीएसटी के बाद 60 लाख से बढ़कर 98 लाख हुआ है। और डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में भी यूपीआई और भीम ऐप आज सबको पछाड़कर आगे, बहुत आगे बढ़े हैं। और रुपी डेबिट कार्ड भी लगभग उसका मार्केट शेयर 36% तक पहुंचा है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर वन रैंक वन पेंशन जैसे बड़े और कड़े फैसलों की भी चर्चा की। सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला कर हमारे बहादुर जवानों ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देकर दुनिया के नक्शे पर एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला देश का परिचय हमने दुनिया को कराया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि अक्षय ऊर्जा के धनी हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी। 15 से 18 घंटे काम करने वाले विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता अब प्रधानमंत्री मोदी बन चुके हैं। ग्रामीण भारत के उत्थान के सवाल पर अमित शाह ने पूरा आंकड़ा पेश किया। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान के तहत सरकार की सभी योजनाओं को गाँव घर तक पहुँचाने की कोशिश सरकार कर रही है। ग्राम स्वराज अभियान के तहत सरकार ने 16,800 गांव चयनित किए थे, जिसमें 50% के करीब दलित आबादी है। ऐसे 16,800 गांव में हर घर में बिजली, हर घर में गैस, हर घर में बैंक अकाउंट, हर घर में उजाला का एलईडी बल्ब और हर घर में सुरक्षा बीमा सुरक्षा योजना और हर घर में बच्चा और जच्चा दोनों का टीकाकरण का काम हमने किया है। मैं मानता हूँ कि हम एक एक गांव को समस्या से मुक्त करने की दिशा में गए हैं और 15 अगस्त 2018 तक लगभग 65,000 गांवों को इस प्रकार से समस्या से मुक्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा है। पंचायती टाइम्स के प्रश्न पर भी अमित शाह ने कुछ इस तरह से जवाब दिया। नंदन झा, ग्राम स्वराज योजना बहुत सफल योजना रही, जैसा कल भी बात हुई थी, सरकार और पार्टी मिलकर 16,000 गाँव तक पहुँच सके। 6 लाख गांव है, आगे का क्या प्रयास है? जैसे आपने बताया था कि 60,000 गांव तक पहुंचेंगे। देखिए, अभी तक तय हुआ है कि 2018 की 15 अगस्त तक हम 65,000 गांवों को समाप्त कर लेंगे। बाकी के जो गांव है, इसमें ऐसा नहीं है कि विकास नहीं पहुंचा है, ये मैं संपूर्ण मुक्ति की बात कर रहा हूँ। बाकी के गांव में भी गैस पहुंचे हैं, बिजली के कनेक्शन पहुंचे हैं, टीकाकरण हुआ है, मगर 100% समस्या से मुक्त अगस्त 2015 तक हम 65,000 करने के बाद चुनाव तक का एक और लक्ष्य घोषित करेंगे। मैं मानता हूं कि हमने जो वादे किए थे, इसकी पूर्ति के लिए 4 साल में काफी कुछ किया है। अभी 1 साल हमारे पास बाकी है और 1 साल में हम काफी सारे गांवों को ये सारी समस्याओं से 100% मुक्ति दिलाने का काम। विपक्ष के प्रश्न पर अमित शाह ने बड़े ही सभ्य और दो टूक अंदाज में कहा कि विपक्ष का केवल एक एजेंडा है, मोदी का विरोध। विपक्ष नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस देश में से अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और गरीबी को हटाना चाहती है। हर विषय पर अपनी राय रखने वाले अमित शाह से
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी सवाल पूछे गए। अमित शाह ने कहा कि पिछले सरकार के 3 सालों में ऐसी ही दरें थी, इस सरकार के 3 दिनों में हाय तौबा मच रही है, इसके लिए दीर्घकालिक समाधान की कोशिश लगातार हो रही है। अभी पेट्रोल डीजल के जो दाम हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार में 3 साल तक रहे हैं और हमारे 3 दिन से परेशान हो गए हैं। सरकार उस पर विचार कर रही है, कोई लंबे समय की योजना बनाकर लोगों के सामने हम आएंगे। अगले साल आम चुनाव होने हैं और इससे पहले बीजेपी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह से दुरुस्त कर अपने आप को 100 में 100 नंबर दिए हैं। विपक्ष लगातार 4 साल पूरा होने का विरोध कर रही है। विपक्षी तरफ से कहा जा रहा है कि इन 4 सालों में कुछ नहीं हुआ और यूपीए की सारी योजनाओं का श्रेय एनडीए सरकार लेती रही। 2019 नजदीक है, देखना है कि बीजेपी का ये रिपोर्ट कार्ड मतदाताओं को कितना लुभा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंचायती टाइम्स।